हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्ब्रेश्योर्स. ठीक है, एम्ब्रेश्योर्स होते क्या है? ओके, अभी हमें पता है कि वट आर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एम्ब्रेश्योर. एम्ब्रेश्योर्स आर द वी शेप स्पेस विच आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट. ओके, विच आर एडजेसेंट टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट. लुक फॉर आवर एंटीरियर टूथ, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये रहा हमारा. ठीक है, वी कैन सी द वी शेप एम्प्टी स्पेस. ठीक है, दे आर बेसिकली स्पिलवेज. ठीक है, स्पिलवेज मतलब जहां से चीजें बाहर आ जाए, और इधर भी होगा है ना, टूवर द जिंजाइवा, बट उस तरफ तो इंटरडेंटल जिंजाइवा प्रेजेंट है. ठीक है, सो दे डजंट एक्ट एज स्पिलवेज. ओके, सो वी नो वट एम्ब्रेश्योर इज. ठीक है, दिस इज आवर इनसाइजल एम्ब्रेश्योर. ठीक है, इनसाइजल एम्ब्रेश्योर. ओके, फॉर योर एंटीरियर टूथ, सो लेट्स टेक अ लुक एट द पोस्टीरियर टूथ के एम्ब्रेश्योर जो होंगे. ओके, लुक हियर. ओके, पोस्टीरियर टूथ में देर आर टू एम्ब्रेश्योर. ठीक है, वन वी कैन सी दीज आर कॉन्टैक्ट पॉइंट के एडजेसेंट वी शेप स्पेस, बस दैट्स इट. और इस तरफ भी होगा फेशियल एम्ब्रेश्योर एंड फेशियल एम्ब्रेश्योर्स एंड लिंगुअल एम्ब्रेश्योर. ओके, बेसिकली जो फेशियल और बकल कह लो, इस बकल एम्ब्रेश्योर इज मोर देन द लिंगुअल एम्ब्रेश्योर. अब बेसिकली इन एम्ब्रेश्योर्स का फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड जो है ना, वो हमारे टूथ में, टूथ के कॉन्टैक्ट में आता है. इट वॉन्ट्स टू कम आउट फ्रॉम द अवर बकल कैविटी. ठीक है ना, ओके, तो इट कम्स आउट फ्रॉम द एम्ब्रेश्योर. इट द एम्ब्रेश्योर एक्ट एज अ स्पिल वे. ओके, इट एक्ट एज अ स्पिल वे. बेसिकली इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन इफ आवर टूथ डजंट हैव, सॉरी फॉर द नॉइज, इफ आवर टूथ डजंट हैज एम्ब्रेश्योर्स, देन हाउ द फूड विल, इफ इट इज इट इफ इट इज लाइक फ्लैट, अगर ये फ्लैट है पूरा, फूड यहां पर टकराएगा एंड इट विल फोर्स द टूथ, मैस्टिकेशन ईजी नहीं हो पाएगा. ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट अ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रेश्योर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन योर इनामिल इज वीक. ओके, और तेरा इनामिल घिस गया है. ठीक है, फ्रॉम हियर, फ्रॉम द इनसाइजल आउटलाइन, एंड यू डोंट हैव, यू डोंट लेफ्ट हैव एनी एम्ब्रेश्योर्स लेफ्ट. Now, when during mastication, the food will want to come out from the contact area. ठीक है, it will push our contact area. तो दांतों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेगा. It will lead to accumulation of plaque. ठीक है, उस plaque के वजह से caries होंगी, है ना. If it goes towards the gingiva, it can cause our periodontitis, etc. Okay. So this is very important. We know what embrasures are. V-shaped spaces which are present adjacent to the contact area. Okay. Posterior tooth mein there are two embrasures. One is toward the facial and one is toward the lingual. Facial embrasure is always more than the lingual embrasure. Okay.